हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप रिवर्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इंस्पायर स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर, मेरा इंस्पायर स्कॉलरशिप रिवर्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं, इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं इंस्पायर के होम पेज पर। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाला घंटा भी बजा दें एंड ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलते हैं इंस्पायर के होम पेज पर। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इंस्पायर के होम पेज पर। तो लगातार जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर, रिवर्ट प्रॉब्लम लगातार आ रहा है, रिवर्ट लगातार हो रहा है, अब स्कॉलरशिप पर क्या असर पड़ेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ऑनलाइन फॉर्म जो भरा था वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कॉलरशिप रिवर्ट क्यों हो जाती है और स्कॉलरशिप पर रिवर्ट का क्या असर पड़ता है, ज़्यादा रिवर्ट हो जाने पर क्या होता है और रिवर्ट प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप रिवर्ट क्यों हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रिवर्ट ऑप्शन और इंस्पायर स्कॉलरशिप का रिवर्ट होना आपकी गलतियों पर निर्भर करता है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालकर यहाँ पर साइन इन करके, तो आपको जब ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको चाहने होते डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो एलिजिबिलिटी नोट जो आपके बोर्ड तरफ से आता है, कॉलेज की ओर से मिलता है, और एंडोर्समेंट फॉर्म, एंडोर्समेंट कैसे भरें, कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। तो फ्रेंड्स, ये चार डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में चाहने होते हैं। अब ये चार डॉक्यूमेंट आपके सबमिट कैसे किए जाते हैं, गलतियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये फॉर्म भराने जाते हैं किसी ऑनलाइन कैफ़े वाले से या जनसेवा केंद्र वालों से, तो जानकारी के अभाव में वो लोग क्या करते हैं कि आपके जब फॉर्म आ जाएंगे तो आप, मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका वहाँ पर ऑप्शन होता है एड मोर का, तो वहाँ पर आप डाल देते हैं एलिजिबिलिटी नोट, और नीचे ऑप्शन होता है अटैच बिलो का, तो आपको नीचे सबसे नीचे अटैच का ऑप्शन होता है कि एलिजिबिलिटी नोट यहाँ पर अटैच करें, एंडोर्समेंट फॉर्म यहाँ पर अटैच करें, 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पर अटैच करें। तो फ्रेंड्स, क्या करते हैं आपके ऑनलाइन कैफ़े वाले या जनसेवा केंद्र वाले, एलिजिबिलिटी नोट पर डबल क्लिक कर देते हैं या 10th एंडोर्समेंट पर डबल क्लिक कर देते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर देते हैं या डबल बार सबमिट कर देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं। तो ये आपको ले जाता है इंस्पायर स्कॉलरशिप पर, और वेरिफिकेशन के बाद आपका हो जाता है कैंसिल और रिवर्ट का ऑप्शन आ जाता है। और इससे कैसे बचा जाए, तो फ्रेंड्स, आप जब अगर नए स्टूडेंट हैं, 2019 में पास किया है, तो फ्रेंड्स आप अपने सामने भराइए, उनसे कहिए कि स्टेप बाय स्टेप सही से भरिए, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 2018 में जितने स्टूडेंट पास हैं उनका अधिकतर यही प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने या तो एलिजिबिलिटी नोट नहीं लगाया है या फिर 10th की मार्कशीट डबल बार क्लिक कर दी है, 12th की मार्कशीट डबल बार क्लिक कर दिया, और एंडोर्समेंट फॉर्म उन्होंने गलत भरा है। तो एंडोर्समेंट फॉर्म के बारे में पूरा वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, यही गलतियाँ हो जाती हैं, और सबसे बड़ी गलती होती है आपके बैंक अकाउंट की, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप में आपका लगता है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट जानकारी के अभाव में क्या कर देते हैं, सेंट्रल बैंक का लगा देते हैं, पंजाब बैंक का लगा देते हैं, और बाद में कहते हैं सर इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं आई, रिवर्ट हो गई है, अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल जानकारी के साथ रहें, जानकारी चैनल के साथ रहें और जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसीलिए आप जानकारी के साथ SBI का अकाउंट लगाएंगे, तभी आपको ये इंस्पायर स्कॉलरशिप रिवर्ट ऑप्शन नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि रिवर्ट ऑप्शन आ जाए तो उसका स्कॉलरशिप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका रिवर्ट ऑप्शन आ रहा है तो स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी, सीधी बात है। अगर आपका रिवर्ट ऑप्शन आया तो स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर रिवर्ट ऑप्शन लगातार आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5 रिवर्ट ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आप कन्फर्म रहे कि 8 रिवर्ट ऑप्शन के बाद, अगर एक है तो कोई बात नहीं, अगर लगातार एक से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 8 रिवर्ट ऑप्शन के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो फ्रेंड्स,
आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, अगर जिनका रिवर्ट रिवर्ट ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरा रिवर्ट ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 8 रिवर्ट आफ्टर 8 रिवर्ट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। समझ रहे हैं ना आप, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो फ्रेंड रिवर्ट ऑप्शन से कैसा बचा जाए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिवर्ट ऑप्शन आपकी गलतियों पर निर्भर करता है। आप अगर ऑलरेडी नए स्टूडेंट हैं भरने जा रहे हैं तो आप इन गलतियों से अवॉइड कर सकते हैं, और जो 2018-17 में पास हैं उनका रिवर्ट ऑप्शन आ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर मेरा रिवर्ट ऑप्शन आ रहा है, तो आपकी 100% हेल्प की जाएगी। रिवर्ट ऑप्शन वाले आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इंस्पायर और फ्रेंड्स इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए हो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और रिवर्ट ऑप्शन वाले बिल्कुल सतर्क हो जाइए स्टूडेंट, क्योंकि आपका फॉर्म फाइनली रिजेक्शन की ओर जा रहा है, तो सतर्क हो जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।